अग्निपथ योजना के खिलाफ में बिहार में प्रदर्शन 3 दिनों तक चला, जिसमें कई सारे थानों पर भी अटैक हुआ, पुलिस के वाहनों को आग लगा दिया गया, पुलिस वालों पर हमले हुए। इस वक्त हम पालीगंज में हैं। पालीगंज का जो पुलिस स्टेशन है उसी के कैंपस से, यहाँ देखिए उस दिन उपद्रवी जो है अंदर घुस आए थे, बस में आग लगा दी थी, बस जो है पूरी तरह से जलकर जो है आपको हम दिखाना चाहेंगे राख हो चुका है। भारी संख्या में यहाँ पे उपद्रवी आए थे और प्रदर्शन के दौरान यहाँ पे पुलिस वालों पर पथराव किया था, थाने के अंदर घुस के तोड़फोड़ की थी और जो थाने के कैंपस में जो गाड़ियां लगी थी उनको आग के हवाले कर दिए थे। ये बस है, देखिए इसको पूरी तरह जला दिया गया है, अंदर का एक एक पार्ट इसका जो है जला हुआ है। वहां पर अंदर में ऐसा कुछ नहीं है जो बचा हो, ये बस पूरी तरह जल के राख हो चुका है। पुलिस थाना के कैंपस में बस लगी थी, वहां भी एक गाड़ी लगी है, हम आपको दिखाना चाहेंगे जो पलटी पड़ी है, इसको उपद्रवी ने पलट दिया था और पलट के इसमें आग लगाया था। तो देखिए जो गाड़ी है ये भी पूरी तरह से जल चुकी है। थाने जो थाना है पालीगंज थाना, उसके अंदर भी जो है तोड़फोड़ किया गया था, हम आपको वो भी दिखाना चाहेंगे कि थाना के अंदर का क्या हाल है। पहले बस का विजुअल्स देखिए, जो बस पूरी तरह जला हुआ है, टायर इसके जल चुके हैं। भारी संख्या में जो उपद्रवी हैं यहाँ आए थे और थाना के अंदर भी तोड़फोड़ हुई थी, पालीगंज थाना के अंदर भी, उसमें भी हम आपको ले चलेंगे। बिहार में अग्निपथ योजना के खिलाफ में लगातार प्रदर्शन हो रहा है, आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, लेकिन वैसा आज कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। पुलिस प्रशासन अलर्ट है और लगातार लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। वहीं पालीगंज में जो हिंसा हुई थी, इसमें 40 से ज्यादा लोगों का फोटो जो है पुलिस ने जारी किया है, सीसीटीवी फुटेज के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए पुलिस ने जो है वो फोटोज निकाले हैं। पुलिस जो है अब इस फोटोज के माध्यम से पालीगंज हिंसा में जो लोग शामिल थे उनकी तलाश जो है कर रही है। इस वक्त हम पालीगंज थाना के ठीक सामने है, इस थाने में भी जो उपद्रवी हैं घुसे थे, लेकिन अब 40 फोटो कम से कम यहां पे जुटा लिया गया है पालीगंज पुलिस के द्वारा और उपद्रवियों पे कार्रवाई की जाएगी। और फोटो के माध्यम से भी ये लोग अपील कर रहे हैं कि आम जनता उनकी पहचान जो है करे। हम पालीगंज थाना में आ चुके हैं, यहाँ पर अभी जो यहाँ के ASP हैं वो मौजूद हैं, जो टोटल 40 फोटो जो सामने आया है उस पे भी हम ASP से बात करेंगे। इस थाने में भी जो उपद्रवी हैं वो आए थे, देखिए यहाँ पे बोलेरो का शीशा फोड़ दिया गया था, अब देखिए यहाँ गाड़ी लगी हुई है, पुलिस की गाड़ी थी, इस पर अटैक किया गया था उपद्रवियों द्वारा, इसको भी तोड़ा गया है। तो पुलिस भी अब सतर्क हुई और गिरफ्तारी करना चाहती है उन लोगों की। तो 40 फोटो जारी किया गया है और पुलिस जो है अब कोशिश में है कि सर करीब करीब 40 से ज्यादा फोटो जो है आप लोगों ने जारी किए हैं, तो क्या ये वही उपद्रवी हैं जो इस तरह की हिंसा को अंजाम दिए? और ये सस्पेक्टेड लोग हैं जो क्राउड का पार्ट थे, इनका आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है। जो लोगों पे एविडेंस आ जाएगा वीडियो और ऑडियो के थ्रू या फिर फोटोज के थ्रू कि हाँ इन लोगों ने वायलेंस किया है, वो लोग कंफर्म हो जाएंगे कि इन लोगों ने। 40 लोगों का कम से कम उसमें पोस्टर बताया जा रहा है, तो क्या सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया के माध्यम से आपने ये जुटाया आप लोगों ने? नहीं, पोस्टर हम लोगों ने नहीं बनाया है, नहीं, जो फोटोज सामने आ रहे हैं। हाँ, फोटोज वगैरह ये सब आमजन में या फिर जो भी स्थानीय लोग हैं सब लोग के पास में थे, वहीं लोगों से हमने कलेक्ट किए हैं। अच्छा, संख्या कितनी है, कुछ है आइडिया? 40 या उससे ज्यादा है ये फोटोज? फोटोज तो जितना लोगों के पास में है वो लोग शेयर कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता। जो पहचान, जो मान लीजिए पहचान इनकी करेगा तो आपको सूचना देगा, तो उन लोगों का नाम गुप्त रखा जाएगा? हाँ, उन लोगों का सबका नाम गुप्त रखा जा रहा है। बहुत लोग सूचना दिए हैं और ज्यादातर फोटोज ऐसे ही आए, तो किसी का नाम अभी तक सामने नहीं आया। अच्छा, ये बताइए कि क्या क्या घटना यहाँ पे हुई थी हिंसा वाले दिन, क्या क्या डैमेज किया उपद्रवियों ने यहाँ पे? घटना एक्चुअली हुआ था कि पहले था कि पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, 40-50 लोग आएंगे, लेकिन बाद में जैसे ही कोचिंग संस्थान सारे बंद हुए तो पूरा कम से कम 1000 की संख्या में लोग आकर के सारे स्टूडेंट्स और प्रोटेस्ट शुरू किए। फिर उसको जो एंटी सोशल एलिमेंट्स उसको वायलेंट रूप दे दिया, वायलेंट फॉर्म दे दी। फिर उसके बाद में थाने की 2 गाड़ियां जला दी, बाकी पब्लिक प्रॉपर्टी को भी काफी डैमेज किया है और प्राइवेट व्हीकल्स वगैरह को भी उन्होंने डैमेज किया। कितने लोगों की सर गिरफ्तारी हुई? कुछ हुई है गिरफ्तारी? गिरफ्तारी अभी तक 24 लोगों का गिरफ्तारी हुआ है अभी, और बाकी लोगों की तलाश आप लोग? हाँ, बहुत लोगों की तलाश हो चुकी है, बाकी लोगों की जारी है। 24 गिरफ्तारियां हुई हैं, कितने FIR हुए हैं? FIR 3 FIR हुए हैं, जिनमें 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हैं और एक प्राइवेट उसका है। मतलब 3 FIR हुआ है और 24 गिरफ्तारियां इस मामले में अब तक हुई हैं। तो आप लोगों की कोशिश ये भी यही है कि जो भी दोषी है वो बख्शा ना जाए, आगे घटना ना हो, उसको लेकर क्या तैयारी है? उसको लेकर के तैयारी है कि सारे कोचिंग संस्थान लोगों, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के जितने भी संचालक हैं सबको नोटिस दिया गया है,
सबके साथ में मीटिंग की गई है और ट्राई किया जा रहा है कि एसडीओ साहब के थ्रू और जो भी एजुकेशन ऑफिसर्स हैं उनके थ्रू जो लीगल प्रोसेस हो सके उसके थ्रू। अच्छा, जो 3 FIR हुई और 24 गिरफ्तार हुई, तो क्या FIR कोई बड़े कोचिंग संस्थान के खिलाफ भी हुए? ऐसे लोग जो कोचिंग संस्थान का नाम आया है, जितने भी लोगों को पकड़ा था उन लोगों ने कोचिंग संस्थान का नाम लिया है, लेकिन अभी हम लोग डायरेक्ट उनपे एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं, पूरा जांच हो जाएगा उसके बाद में डेफिनेटली अगर कुछ सामने आता है तो कार्रवाई की जाएगी। आज भारत बंद का भी आह्वान किया गया लेकिन कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन ऐसी चर्चा है कि आज भारत बंद है, लेकिन कोई असर तो उसका देखने नहीं दिख रहा है। जो 3-4 दिन से लगातार एरिया डोमिनेशन चल रहा है और माइकिंग चल रही है और जो लोगों को कन्विंस किया जा रहा है, तो उसके बाद में काफी मतलब पॉजिटिव हमारे साथ एएसपी बात करते हुए पूरे मामले पर। तो ये तो अब तय है कि फोटो के जरिए जो आरोपी हैं उन तक पुलिस पहुंचेगी। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पालीगंज।